कीचकों की परिभाषा मुरली में बताई है। कीचक माने गंदे डर्टी ब्रूट्स जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, कोई न कोई बहाना बनाएंगे और उनके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे गंदे डर्टी ब्रूट्स को भीम ने अकेले ही मार गिराया। और कहते हैं कौरव कितने थे? 100 कौरव, और 100 कौरवों का वध अकेले भीम ने किया। चाहे वो दुर्योधन की लिस्ट में हो, दुष्ट युद्ध करने वाले। क्या एक होता है युद्ध प्यार से, आओ भाई अखाड़े में 2 हाथ कर ले, हाँ भाई आ जाओ, खुशी खुशी युद्ध करते हैं, भले माया का युद्ध हो लेकिन सहमति से है ना, खुशी हो रही है ना कि हम इस युद्ध में हम विजयी होंगे। वो कहते नहीं हम विजयी होंगे। लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो दुष्ट युद्ध करते हैं। क्या दुष्ट युद्ध माने जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। जैसे दुर्योधन को दिखाया है गदा युद्ध के नियमों का परित्याग कर दिया और ईर्ष्या देखने आकर के युद्ध किया, तो उनको कहा जाता दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले। सहमति हो या न हो, उनको तो युद्ध करना है, चाहे हिंसा हो चाहे हिंसा न हो, लेकिन युद्ध जरूर करेंगे। ऐसे दुर्योधन भी हैं और ऐसे दुशासन भी हैं, दुष्ट शासन करने वाले। पति का पत्नी के ऊपर कुछ न कुछ शासन तो होना ही चाहिए क्योंकि कलयुग की दुनिया है, लेकिन दुष्ट शासन होना चाहिए क्या? नहीं। और ब्राह्मण बनने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद आपस में कौन सा संबंध बन गया? भाई भाई बहन का भी नहीं, आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हो गए। जैसे भाई का भाई के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, नहीं चलनी चाहिए, ऐसे ही जो ब्राह्मण बन चुके हैं उनके जीवन में पति पत्नी का संबंध भाई भाई का होना चाहिए। लेकिन जोर जबरदस्ती दिखाते हैं तो उनको क्या कहेंगे? दुशासन कहेंगे। ऐसे दुशासनों और ऐसे दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधनों को अकेले भीम ने धराशायी किया। उनका खून खराबा किया, संकल्पों का खून बहाया और द्रौपदी के केस सिंचन किया। अभी ये सब प्रैक्टिकल होना है। 5 पांडव का मतलब ये नहीं कि 5 पांडव ही थे। 1 अर्जुन का मतलब ये नहीं है कि 1 अर्जुन को ही गीता ज्ञान सुनाया गया। ये सब क्या बैठे हैं? सब नंबरवार। अर्जुन भी है नंबरवार, भीम भी है। हाँ, कोई में भीम वृत्ति के संस्कार ज्यादा है, गलत बात सुन करके फट से क्रोध आता है, अभी धूम धड़ाका कर दो। गलत बात को 1 सेकंड भी सहन नहीं कर सकते। जबकि कोई युधिष्ठिर भी है, क्या इतनी जल्दी क्रोध में नहीं आते हैं, विचार करते हैं श्रीमत क्या कहती है। युद्ध से भागते नहीं हैं, लेकिन युद्ध में स्थिर रहते हैं। तो एक की बात नहीं है, न एक कोई अर्जुन था, न कोई एक युधिष्ठिर था, न कोई एक नकुल और सहदेव था। ये नंबरवार यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, कोई में भीम वृत्ति ज्यादा है, कोई में युधिष्ठिर की वृत्ति ज्यादा है, कोई में अर्जुन की वृत्ति ज्यादा है। अगर अर्जुन की वृत्ति न रही हो तो आज की मुरली में ही क्यों बोला बाबा ने कि समझने वाला होशियार होता है और समझाने वाला बुद्धू होता है। तो बाप क्या करते हैं, उसके शरीर के रथ को अपने हाथ में ले लेते हैं, दृष्टि से पावर देते हैं, वाचा से पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं और वो आत्मा ज्ञान में चल पड़ती है। तो अर्जुन हुए ना, उनके रथ में बाप ने प्रवेश किया ना, बल पता नहीं चलता है। अगर पता चल जाए तो मुकर्रर साबित हो जाए, प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन प्रवेश तो करते हैं। तो कोई अर्जुन भी है, कोई नकुल है, कोई सहदेव है। पांच की बात नहीं है, नंबरवार पांच पांडव हैं। और ये भी बात है, पांचों एक जैसे नहीं है। पांचों की अगर संगठित वृत्ति बन जाए तो पावरफुल हो जाते हैं कि नहीं। नकुल का मतलब है ना इस कुल के और ना उस कुल के, क्या नेवले की तरह उनका स्वभाव संस्कार होता है। संस्कृत में नकुल नेवले को कहा जाता है, सर्पों को काट के खा जाता है। जो विषैले विषधर सर्प हैं, विषयी विकारी हैं, वो नकुल की व्यक्ति से उनको काट काट के खंडित कर देते हैं। वो विचारी वृत्ति वाले नकुल के सामने पनप नहीं सकते, माने सन्यासी किस्म की आत्माएं हैं। है? खाते, हाँ, जब काटेगा तो काटेगा किस लिए, काट काट के खाएगा। बाबा शंकर के हाथ में जो डमरू दिखाते उसका बजाने का मतलब क्या है? डमरू का मतलब है कि डमरू दोनों तरफ बजता है, दाईं ओर भी बजेगा, बाईं ओर भी बजेगा। माने चाहे बाम मार्गी बच्चे हों झाड़ के और चाहे दाई मार्ग के बच्चे हों। शंकर का पार्ट ऐसा पार्ट है जो विश्व पिता का पार्ट है, देवताओं को भी पोषण देता है, वरदान देता है और असुरों को भी वरदान देता है, देवात्माओं को भी संरक्षण देता है और असुरों को भी संरक्षण देता है, सबको खुश करता है, क्या सबको वर्षा देता है। तो 500 करोड़ की सृष्टि में ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा न मिलता हो। इसलिए जैसे एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे आतताई असुर होते हैं और 2 बच्चे दैवी स्वभाव के होते हैं, परंतु बाप सबकी पालना करता है, सबका ध्यान रखता है। या जो अच्छे होते हैं उनको ही घर में रखता है, बाकी को घर से बाहर निकाल देता है, सबका ध्यान रखता है। इसलिए दोनों तरफ बजानी पड़ती है, क्या वो डमरू दोनों तरफ बजता है। तुम भी खुश रहो और ये भी खुश रहे, जियो जियो बच्चे जियो, जीते रहो मर न जाओ। बाबा इस डमरू को नागरा भी कहते हैं। सहदेव माने जो सदैव देवात्माओं को ही सहयोग देता है। क्या थोड़ी भी आसुरी वृत्ति है उनको सहयोग नहीं देता है। जैसे सिखों ने सदैव भारतवासियों को सहयोग दिया या विदेशियों को सहयोग दिया। भारत के अंदर ऐसी कौन सी कौम है जिसने सबसे जास्ती बलिदान दिए? हिंदुओं ने उतने बलिदान नहीं दिए, सिखों ने दिए। और सरस्वती नदी को मिट्टी के नीचे बैठा होने दिया। सरस्वती बीच में आती है और बीच में ही गुम हो जाती है। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही होता है और एडवांस नॉलेज में भी ऐसे ही होता है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा की छोटी सी मूर्ति बना करके छोटे से मंदिर में रखते हैं। जो भी महाविद्यालय या विद्यालय होते हैं उनके गेट पर छोटा सा ताक बनाते हैं और उसमें जगदम्बा की सरस्वती की मूर्ति रखते हैं। तो बेसिक नॉलेज में भी वो बीच में आई और बीच में ही लोप हो गई, गुप्त हो गई। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी वो संक्षेत्र से प्रत्यक्ष नहीं होती है। क्या 83-84 से मैदान में आती है, बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। जो अव्यक्त वाणी में बोला माँ कहाँ है? अभी घूंघट में है, माना गुप्त है। और हाँ जी, नटराज का तांडव लिया है। तांडव नृत्यों में देश में दिखाते हैं वो फिल्म। शंकर को नटराज कहते हैं और कृष्ण को नटवर कहते हैं। वर माने श्रेष्ठ और राज माने राजाई चलाने वाला, शासन करने वाला। राजा माने क्या? राजा माने शासन करने वाला, शासक। तो शंकर का टाइटल है नटराज, माने जो भी ज्ञान का डांस करने वाले हैं, चाहे नंगा नाच नाचने वाले हैं और चाहे कपड़े पहन करके नाच नाचने वाले हैं। दोनों प्रकार के डांस करने वालों के बीच में वो कंट्रोलर है, नटराज है। सब जितने भी ज्ञान डांस करने वाले हैं सबका राजा है। और कृष्ण डांस करने वालों में राजा ही नहीं करता है। क्या सार्थक नहीं है लेकिन वर है। वर माना श्रेष्ठ। डांस करने वालों में श्रेष्ठ डांस करने वाला है, माने विनाशकारी डांस नहीं करता है। कृष्ण का जो भी डांस है वो ऐसा श्रेष्ठ डांस है, ज्ञान डांस, जिसमें सब प्रसन्न होते हैं। और जो भी विधर्मी आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई। कोई हिंदू जाकर के क्रिश्चियन बने, कोई मुसलमान बने, कोई बौद्धी बन गए, बने कि नहीं? तो वो शूटिंग अभी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो जो नीचे गिर गए जन्म जन्मांतर नीचे गिरे, मायावियों ने उनको नीचे गिराया, बाप आकर के उनको उठाते हैं। वो आत्माएं जो एडवांस में अभी मिनी मधुवनों में चलती हैं ज्ञान में, बाद में बाप को छोड़ देती हैं और छोड़ करके विरोधी पार्टियों में चली जाती है। तो इससे ये शूटिंग तो हो गई क्लियर कि ये वो आत्माएं हैं जो द्वापर युग से कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, लेकिन थे तो अपने कभी कभी बाप के बने तो थे, तो हमारे ही भाई हैं, भले कोई ने बरगला लिया, कमजोर बच्चे हैं, किसकी पालना में आ गए? ऐसे की पालना में आ गए जिसका नाम महाभारत में रख दिया शिशुपाल। किसकी पालना करने वाला? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ज्ञान में पूरा ज्ञान बेचारे नहीं उठा पाते हैं, अधूरा ज्ञान उठाते हैं, बाप की पूरी पहचान नहीं होती है। ऐसे छोटे छोटे शिशुओं को वो शिशुपाल अपनी मुट्ठी में लेकर के उनके ऊपर राज्य करता है, उनकी पालना करता है। ऐसे शिशुपालों का वध होना है कि नहीं होना है? किसके हाथों वध होता है? है जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या करे वो बड़ी हत्या है या छोटी हत्या है? बड़ी हत्या है। उनका वध भगवान कृष्ण के हाथों गाया हुआ है। वो शिशुपाल बहुत गालियां देते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। जो भगवान बाप एवर प्योर पार्ट बजाने वाला है, उस एवर प्योर को बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं और दूसरों को भी उसका यही परिचय वो ही परिचय देते हैं, बहुत ग्लानि करते हैं। इसलिए मुरली ने बोला मेरे ही बच्चे मेरी ग्लानि करते हैं। तो उनके 100 पाप मुक्त हैं। क्या 100 बार ऐसे ऐसे जघन्य पाप करेंगे तो 100 बार उनको माफ किया जाएगा, परंतु कभी तो आती होगी। फिर आती होती है तो फिर माफ नहीं किया जाता। और ब्रह्मा बाप जगदम्बा है, ब्रह्मा 1, बाप 2 और जगदम्बा 3, ये 3 सीट फिक्स हो गई है। ब्रह्मा तो विष्णु कौन है नहीं मालूम है? अरे ब्रह्मा तो विष्णु कौन है? छोटी मम्मी। तो ब्रह्मा तो विष्णु हो गया। अब आया बाप, वो भी पता नहीं जरूरत है पाता है। अच्छा अब तीसरा जगदम्बा। जब जगत पिता मालूम है, असुरों का भी बाप है, बताओ का भी बाप है, तो जगदम्बा का पता नहीं चला है? सारे जगत की अम्बा है, राक्षसों की भी अम्बा है, उनको भी गोद में खिलाती है। भले कितने भी बड़े असुर हैं, उनको भी गोद में पालना देती है जगत की अम्बा। एक देवी ऐसी है जो असुरों को पालने नहीं देती है। क्या सिर्फ देवात्माओं को पालना देती है, वैसे वैष्णवी देवी। इसलिए 2 प्रकार की देवियां गाई हुई है, एक शाकाहारी और एक है मांसाहारी। तो जो मांसाहारी है वो सारे जगत की मां है, राक्षसों की भी मां है और देवताओं की भी मां है। एक है भारत माता, एक है जगत माता। तो जगत माता जो है वो सब धर्मों के बच्चों की पालना करने वाली है या थोड़े बच्चों की पालना करेगी? देश के नारी जी की वो दीदी दादियाँ हैं वो इतनी बड़ी पालना नहीं करती हैं जितने बड़े समुदाय की पालना जगदम्बा करती है। अब केदारनाथ बद्रीनाथ उसका अभ्यास आप क्या दो नदियां हैं, एक है गंगा नदी। प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा नदी और यमुना नदी। एक का कनेक्शन है बद्रीनाथ से और एक का कनेक्शन है केदारनाथ। एक का कनेक्शन है यमुनोत्री और एक का कनेक्शन है गंगोत्री। बहुत लंबा फासला नहीं है क्या? बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है वो है उत्तरी दिशा में बहने वाली। भारत के उत्तर साइड की जो भी नदियां हैं नेपाल से आने वाली, कहाँ से आने वाली? नई दुनिया की पालना जहाँ से होती है वहाँ से वो ज्ञान नदियाँ उतरती हैं उनकी स्टेट से और गंगा में आकर मिल जाती है। वो गंगा जिस क्षेत्र में होकर के बहती है उस क्षेत्र में ऊंचे से ऊंची स्टेज का नाम दिया है बद्रीनाथ। और दूसरी है पश्चिम साइड में, पश्चिमी पहाड़ों में, उसको कहते हैं केदारनाथ। ये चार मठ हैं जो शंकराचार्य ने स्थापन किए थे। भक्ति मार्ग में आने के लिए कह दिया है संभवामि युगे युगे, मैं चार युगों में चार अवतार लेता हूँ। तो भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। और ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड टाइम लगता है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड, वो भी ब्रह्मा जब संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनते हैं। तो निश्चय बुद्धि किस बात का? जो सबसे बड़े से बड़ा निश्चय किस बात का? जो बच्चा पैदा हुआ माना जाता है। बाप को पहचाना माना पैदा हुआ, और बाप को भूल गया माने अनिश्चय बुद्धि हुआ, मर गए। कृष्ण का भोलेनाथ के रूप में जब बात है तो जो बाप को पहचान लेता है, पहचान में 3 बातें हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को जाना। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझेगा, अर्थात जिसकी आत्मा रूपी सुई की कट उतरी ही नहीं है बेसिकली, वो बाप को पहचान ही नहीं सकता। तो अपने आप की पहचान और अपने बाप की पहचान, ये 2 बातों की पहचान जिसे हो जाती है उसे चक्र की भी पहचान हो जाती है। माना ड्रामा क्या है उस ड्रामा के आदि मध्यंत को भी जान जाता है। तो 3 प्रकार की पहचान में मुख्य पहचान कौन सी है? जिसके ऊपर सारा मदार है, बाप की पहचान। ऐसे पहचानने वाला हो कि आज से लेकर के अंत तक भूले नहीं, अगर भूलता है बार बार भूलता है तो फिर बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करने के लिए स्टेज में नहीं आवेगा। ऐसे भूलने वालों में नंबर 1 आत्मा कौन है? ब्रह्मा की सोच। और है बहुत प्यारी आत्मा, क्या हाँ, पक्का भोला भाला पक्का देवता है। ब्रह्मा की सोल ही पक्का देवता है, इसका प्रूफ क्या है? हाँ, एक ये भी प्रूफ है कि जितना दहन शक्ति का पाठ माता के रूप में ब्रह्मा ने नाम वाला किया अपना, उतना और नाम वाला किसी ने नहीं किया। दहन शक्ति का पाठ किसी ने नहीं बजाया। और दूसरा हाँ, जो अव्यक्त वाणी चल रही है वो भी एक प्रूफ है। क्या कि वो वाणी ज्ञान नहीं सुनाती है, इतना क्या सुनाती है? तो देवता होगा तो क्या सुनावेगा? धारणा के ज्ञान के पॉइंट सुनावेगा। अगर ज्ञानी तू आत्मा बाप का बच्चा होगा तो ज्ञान की बातें ज्यादा सुनावेगा, धारणा हो या ना हो। ब्रह्मा की स्कूल अव्यक्त वाणी का गुजराती में प्रवेश करके वाणी बोलते हैं ना, फिर बाप उसको इशारा देते हैं, वो पॉइंट करते हैं। जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ हूँ क्या? कोई साकार में साथ हूँ या बुद्धियोग से साथ हूँ? कवि होते हैं, कविता करते हैं, उनकी कविता मोस्टली सच्ची निकलती है। द्वापर के आदि में जो कवि थे वो ज्यादा सतोप्रधान थे, या अभी कलियुग के अंत के कभी ज्यादा सतोप्रधान। आज की जो की हुई कविताएं हैं, शास्त्र हैं, उनमें जो सच्चाई है वो संगम युग की सच्चाई भरी हुई है। पुराने से पुराना पुराण है कौन सा? नहीं, 18 वो 18 पुराण है, 10 पुराण। लेकिन सबसे पुराना कौन सा? वेदों को पुराना नहीं कहा जाता, महाभारत पुराण। महाभारत से ही गीता निकली है। महाभारत पहले बहुत छोटा था, सिर्फ 1 लाख श्लोक थे उसमें। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, पूरी लाइब्रेरी सिर्फ महाभारत से ही भर जाती है। और उस पुराण में जितनी सच्चाई है उतना और दूसरे पुराण में सच्चाई नहीं है। और अष्टदेव में अष्टारातन क्यों प्रवेश करते और अष्टारातन में भी अष्टारातन लेन देन का हिसाब किताब होता है या नहीं होता है? होता है। द्वापर से कलयुग तक देवताओं में असुरों ने प्रवेश किया या नहीं किया? असुरों ने प्रवेश किया ना, तो अभी संगम युग में उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? द्वापर कलयुग में जो आसुरी आत्माएं थी डायरेक्ट परमधाम से उतरने वाली, वो ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो प्रवेश होकर के उनको कंट्रोल कर लेती है। और अभी संगम युग में वो देव आत्माएं जिनमें उन आसुरों का प्रवेश हुआ था द्वापर कलयुग में, वो अभी बहुत कमजोर बन गई है कि पावरफुल है, कमजोर है। लेकिन जिन्होंने बाप को पहचान लिया, और बाप की याद के लब में लीन रहती है, वो ज्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ज्यादा बीज रूप स्टेज में टिक जाती है। जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे कि नहीं? जरूर बनेंगे। तो सुप्रीम सोल बाप को याद करेंगे तो आत्मा सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? तो वो आत्माएं अति सूक्ष्म बाप समान बच्चे बन जाते हैं। तो वो प्रवेश करेंगी या उनमें प्रवेश होगा? असुरों को क्या होगा? प्रवेश करेंगी, पावरफुल हो जाती है। इसलिए वो रतन है और ये है देव। वो बाप समान नहीं बनते हैं, वो बाप समान बनते नहीं है, सजाएं खाने वाले बनते हैं। और ये तो बाप समान बनते हैं। बाबा शंकर जी के जो त्रिशूल है इसमें लाल चुनरी चुनरी बोलते हुए दिखाया गया है। लाल चुनरी दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है? और वो चुनरी जो है चुनरी माने कपड़ा है। वो जो कपड़ा है वो किस बात की निशानी है? कपड़ा किस बात की निशानी होती है? शरीर रूपी वस्त्र की निशानी होती है। माने उनके हाथ में ऐसा शस्त्र है जो रजो प्रधान है। क्या लाल रंग किस बात की निशानी होती है? रजो प्रधानता की, क्रांति की निशानी होती है। माना जो भी ज्ञान सुनाते हैं शरीर रूपी वस्त्र के द्वारा, जो भी ज्ञान निकलता है उसके लिए बेसिक में भी गीत बनाया, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तामस और विकार इसके द्वारा नष्ट होते हैं। शंकर की वाणी से 5 विकारों का नाश होता है। तो ये जो चुनरी है वो 3 शूल में बंधी हुई है। त्रिशूल माने त्रिशूल किसकी निशानी है? 3 शूलों की निशानी है। ब्रह्मा का शूल, विष्णु का शूल और शंकर का शूल। सबसे बड़ा शूल कौन सा है उनमें से? हैं 3 कांटे दिखाई जाते हैं। बीच वाला जो है वो सबसे बड़ा होता है। हाँ बीच वाला है हाँ, वो लंबा शूल है। जैसे 5 पांडवों को शस्त्र दिखाए हैं या नहीं? हाँ तो उनमें बड़े से बड़ा पांडव कौन है? युधिष्ठिर का शस्त्र कौन सा दिखाया जाता है? युधिष्ठिर का शस्त्र है भाला। क्या जितने भी शस्त्रधारी योद्धाएं होते हैं, कोई गदा से हमला करता है, कोई तलवार से हमला करता है, कोई काई से हमला करता है, कोई बाणों से हमला करता है, वो एक ही भाला घुमा करके सबको पछाड़ देता है। हाँ वो भाला बहुत ठीक है। त्रिशूल में एक भाला दिखाया गया है। भाला बाण के मुकाबले ज्यादा लंबा चौड़ा होता है या छोटा होता है? लंबा चौड़ा होता है। तो ब्रह्मा का बाण ज्ञान बाण और शंकर का ज्ञान बाण वो उतना काम नहीं करता जितना विष्णु का बाण काम करता है। ब्रह्मा तो विष्णु, वो भाला बहुत काम करता है। क्या समझ में आया? शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोला भाला कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? शिव और शंकर दो नाम है कि एक नाम है? दो नाम है। उनमें पहला नाम कौन सा है? शिव। और दूसरा नाम बाला। तो शिव जो है वो तो भोला ही है हमेशा, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो हमेशा भोला नहीं है, भोलों के लिए भोला है, विक्रमबाजों के लिए विक्रमबाज, विकारियों के लिए अति विकारी है और निर्विकारियों के लिए निर्विकारी है। और बाबा बिहार का फाउंडेशन पश्चिम बंगाल में क्यों? जब नई दुनिया की शुरुआत होती है, नई दुनिया की शुरुआत माना सूर्योदय होना चाहिए या सूर्यास्त से होना चाहिए? सूर्योदय से होना चाहिए। तो दुनिया के नक्शे में पूर्व से सूर्य उदय होता है या पश्चिम से होता है? पूर्व से ही उदय होता है। कहाँ की यादगार? भारत देश में कलकत्ता ही ऐसा देश है। ये पूर्वीय जोन ऐसा जोन है जहाँ से सूर्य उदय होता है। यज्ञ के आदि में भी उदय हुआ था, कोई ने पहचाना हो या न पहचाना हो। और जब इस यज्ञ की अंतिम आहुति होगी तो भी कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? वो बनियन ट्री की यादगार है। वो बीज यही बोया जाता है, बीज को बाप कहा जाता है। अहम बीज पटक पिता, इस मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला मैं पिता हूँ। तो बीज कहाँ से शुरुआत होती है? कलह क्लेश कट्टा पहले नाम था इसका, या कलकत्ता। अभी उसका नाम बदल दिया है। अरे कलह क्लेश तभी तो कट्टा होगा जब कालापन काट आ जाए। कालापन माने कोल। कालापन ही नहीं काटा जाएगा तो कलह क्लेश का नाश कैसे होगा? ड्रामा प्लेन अनुसार सही नाम पड़ा है। तुम्हारी ने बोला ईश्वर का सूरज उदय हो गया है। अभी भी प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ज्यादा गैदरिंग कौन से मिनिमल वर्ल्ड में हो रही? ऐसे बम्बई में है बहुत, लेकिन 3 पैर पृथ्वी के नसीब नहीं है। क्या? इसलिए वहाँ संडे को ही प्रोग्राम होता है कि जितने अपने आप आ गए तो आ गए, पहले से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। अगर 1-2 दिन पहले से इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो वहाँ बैठने की जगह होगी नहीं। और कलकत्ते में तो बैठने की जगह देखो इतनी है कि जो सारा ही खाली पड़ा है। इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है तो भी खाली पड़ा हुआ, तो भी देखो खाली पड़ा हुआ है। बाबा ये आपने बोला ना नेपाल में कलकत्ते का सारा तो प्लस पॉइंट है क्या, लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है। ओ समीर भाई बताएगा क्या है बाबा, बोलिए समीर भाई बताएगा। कलकत्ता में जितना बड़ा वैश्यालय बनता है इतना दुनिया की किसी और शहर में इतना बड़ा वैश्यालय नहीं बनता है। कलकत्ता वासी जितनी मछली खाने वाले हैं, जितना मछलियों का व्यापार यहाँ होता है उतना मछलियों का व्यापार और कहीं नहीं होता है। बाबा अभी आप बोले थोड़े मुरली में नेपाल में अश्वों का जो शिकार छोटे बच्चों में जो शिकार करना सिखाते हैं इसका माने कृष्ण बच्चा जितना छोटा होगा उतने छोटे छोटे शिकार करेगा और कृष्ण बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा उतने बड़े बड़े शिकार करता है। जब 108 जो बीजरू पाठवे हैं उनमें बड़े बड़े कौन है, 8 देवताएं। उनको अगर अंडर में कर लिया तो बड़ों बड़ों का शिकार कर लिया या छोटे छोटों का किया, बड़ों बड़ों, और उनमें भी ज्यादा बड़े वो हैं जो और धर्मों के बीज है। ये क्या बात कर रहा है, आप नहीं अपना काम करिए जाइए। हाँ जी बोलिए, आपने कुछ अच्छा नहीं होगा, क्या बात चल रही है? नेपाल का क्या नेपाल में वास्तु का जो शिकार थोड़े छोटे बच्चों ने बता दिया ना, जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे शिकार करते हैं, जैसे जैसे शरीर होते जाते हैं कृष्ण बड़ा होता जाता है तो बड़ा महाभारत युद्ध करता है, कराने के निमित्त बन जाता है, बड़े बड़े शिकार करता है, कराता है। इसलिए नेपाल में उसकी यादगार है। और दूसरा का पूजा सुना है ऐप में, ऐप पेपर में ऐप दिया था तो क्राउन बेबी, इसका मतलब क्या है? क्राउन बेबी, क्लोन बेबी, क्लोन 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 बेबी, क्राउन क्लोन क्लोन। हाँ वो आजकल टीवी में क्लोन की बात बहुत दिखाते हैं, शक्तिमान सीरियल दिखाया है ना, उसमें भी दिखाया है क्लोन, क्लोन तैयार किया। जैसे टेस्टिट्यूब बेबीज होते हैं वो उतना बड़ा आविष्कार नहीं है, लेकिन क्लोन तैयार करना ये बड़ी बात हो गई। एडवांस पार्टी में भी ऐसे क्लोन तैयार हो रहे हैं। वो क्लोन ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसमें आत्मा रहता है कब? वो देखने में आते हैं। जैसे बाबा कहते हैं माया कागज का शेर है, देखने में बहुत बड़ी लगती है लेकिन वास्तव में है नहीं। नकली चीज नकली ही होती है और असली असली तो असली होगी। चलो हो गया।